इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन आदाब, इत्तेहाद न्यूज़ की खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है और आज हम बात करते हैं एक अहम और जरूरी टॉपिक, इस्लाम और सियासत के उन्वान पर। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है, जिंदगी का कोई शोबा, गोशा और मोड़ ऐसा नहीं है जहां इस्लाम ने हमारी रहनुमाई न की हो। दीन के अहकाम से लेकर समाजी, सकाफती, माशी हर एक में इस्लाम हमें रहनुमाई करता है। इस्लाम में पैदाइश से लेकर मौत तक, शादी ब्याह से तजहीज और तकफीन तक, बचपन से लेकर लड़कपन, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, निजी मामलात से सरकारी कामों तक, आयली वो खानगी जिंदगी से लेन देन के मामलात तक, खेती बाड़ी तिजारत से लेकर सिनत वो हुर्फत तक, बच्चों की तरबियत से लेकर बूढ़ों के हुकूक तक, मुल्की सियासत से आलमी ताल्लुकात तक, हर चीज में इस्लाम ने हमारी रहबरी की है। अक्सर देखा गया है कि शोबे सियासत को लेकर उम्मत में सख्त गलत फहमियां पैदा हो गई हैं और इससे उम्मत को गुमराह किया जा रहा है और हम गुमराह हो रहे हैं। लिहाजा ये सोचना कि इस्लाम में सियासत और हुकूमत के ताल्लुक से कोई तालीमात और हिदायत नहीं है सरासर गलत है। इस्लाम ने सियासत के आदाब और ज़वाबित भी मुकर्रर कर दिए हैं। इस्लाम ने खुशगवार सियासत से लेकर रियासत चलाने तक में भी हमारी रहनुमाई की है। इस्लाम के सियासी और रियासतरी अहकामात इस कदर मजबूत हैं कि ये अहकामात इस्लाम को दीन बनाते हैं। इस्लाम के सियासी अहकामात ही दरअसल इस्लाम को दीन बनाते हैं और सियासत को शजरे ममनू से निकाल कर दूसरे तमाम अदियान से आला व अरफा मुखामता करते हैं। इस्लाम को सियासत और रियासत से आजाद करना दरअसल इस्लाम के सियासी तस्वूर में तहलील के मुतरादिफ है। इस्लाम ने तो बेहतरीन निजाम हुकूमत, खुशगवार सियासत के आदाब मुरतब किए हैं, जहां एक आम आदमी, बद्दू, खलीफा हजरत उमर से बैतुल माल से मिले हुए एक कपड़े की ऐलानिया तौर पर शिकायत कर सकता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैनुल मजाहिब और बाहमी जिंदगी गुजारने के उसूल व ज़ाबित मुरतब किए, जो दुनिया का पहला तहरीरी तौर पर मुरतब निजाम हुकूमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन और सहाबा इकराम ने इस निजाम हुकूमत पर अमल पैरा होकर दुनिया वालों की रहनुमाई की है कि सियासत क्या है और हुकूमत किसे कहते हैं। तारीख इस बात की गवाह है कि जितनी भी कौमें इस्लाम से मुतासिर हुई हैं, वो ना तो किसी के बयानों को सुनकर, ना तो किसी के नमाज व रोज़ों को देखकर, ना तो किसी के हज व उम्रा को देखकर, बल्कि कौमें तो इस्लाम में खिदमत खल्क का निज़ाम, गरीबों और ज़रूरतमंदों के खिदमत की निज़ाम को देखकर मुतासिर हुई हैं। इस्लाम में निज़ाम हुकूमत उसी के हाथ में दी जाती है जो अमानतदार, दीनदार और इस्लामी उसूलों से वाकिफ हो, न कि खानदान, जात पात और दौलत को देखकर। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे कौम के रहनुमा और लीडर इस्लामी किरदार से दूर हैं। कौम के शऊर को बेदार करने की जरूरत है, जाती मुफादात से बुलंदतर होने की जरूरत है, सियासत को तिजारत नहीं बल्कि खिदमत खल्क का काम समझने की जरूरत है। एक मखसूस तबके ने आज सियासत और मईशत पर कब्जा कर रखा है। इस्लाम एक ऐसी सियासी निजाम का दर्द देता है जिसमें गरीबों के लिए भी ऐवान के दरवाजे खुले रहें। मुसलमानों को चाहिए कि सियासत में हवस व इक्तदार के लिए नहीं बल्कि अवामी खिदमत का जज्बा लेकर आगे बढ़ें। ये एक खिदमत खल्क है जिसको पूरी ईमानदारी से पूरा करना है। हमारे असलाफ के कारनामे हमारे लिए मशाले राह हैं।
आज वक्त हमसे तकाजा कर रहा है कि कौम के रहनुमा, सियासी रहबरान, उलमाए किराम सियासी मैदान में पूरे इखलास के साथ उतरें। अगर ऐसा हो गया तो उम्मत के समाजी, तालीमी और सियासी मसाइल का हल निकल जाएगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।